हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको अपनी बाइक दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने खुद मॉडिफाई की है। ये लगभग 35 इयर्स पुरानी बाइक है। ये के बजाज के वी 100 है और मैंने इसे खुद मॉडिफाई किया है अपने भाई साथ मिलके। तो मैं सबसे पहले आपको इसका एक वॉक अराउंड कराऊँगा और मैं आपको इसके लुक्स दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूँगा कि मैंने इसमें क्या ओरिजिनल रखा है और क्या मॉडिफाई किया है। और इसके बाद मैं आपको बाइक चला के भी दिखाऊंगा और एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से मैं सुनाऊंगा और चला के दिखाऊंगा बाइक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बाइक के लुक्स कैसे लगे, मॉडिफिकेशन कैसा लगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्यूल टैंक से। इसका फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है जो बाइक के साथ ही आया था, मैंने चेंज नहीं किया इसे, अभी तक ये चल रहा है। और बस इसमें मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है और ये स्ट्रिप्स ग्रीन कलर की और वाइट कलर की चिपका दी है, तो थोड़ा लुक्स में चेंज आ गए हैं। और ऊपर भी ऐसे ही स्ट्रिप्स लगा दी हैं और ये पैनल्स भी ओरिजिनल हैं, इसमें भी सेम मॉडिफिकेशन किया है, बस पेंट किया है और स्ट्रिप्स लगा दी हैं। और मैंने बाइक को ग्रीन और ब्लैक कलर पेंट किया है। ये इसका इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन है ये। और ये टी ये चेंज हो चुकी है बहुत बार। और इसके अलावा इधर फ्रंट में बात करें तो मैंने इसमें सब कुछ हटा दिया है, कंसोल और मीटर वगैरह, क्योंकि वो टूट गए थे। और उसके बाद इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ख़राब है, कहीं भी इसका कोई पार्ट नहीं मिलता मार्केट में। बहुत मुश्किल से मैंने इसे कुछ चीज़ें ढूँढी थी, तो मैंने इसे मॉडिफाई करने का प्लान बनाया, क्योंकि इसे रिस्टोर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। और ये सीट भी कस्टम मेड है, दूसरी बाइक से की प्लेट लेके उसमें फोम वगैरह लगा के मैंने सीट बनवाई है। और ये चेन कवर ओरिजिनल है, शॉक एब्जॉर्बर भी वही है। मैंने नीचे वाला चेन कवर निकाल दिया और पीछे मैंने कुछ भी नहीं रखा ताकि इसका थोड़ा लुक डर्ट बाइक वाला आए। इसके बाद फ्रंट मडगार्ड्स को मैंने, ये मडगार्ड ओरिजिनल नहीं है, चेंज हो चुके हैं, और मैंने इन्हें यहाँ से इस जॉइंट्स को काट के और ऊपर लगा दिया है यहाँ पे दो बोल्ट्स के थ्रू, थोड़ा जुगाड़ लगा के, और फिर इसको पेंट कर दिया। और ये स्ट्रिप्स जैसे कि फ्यूल टैंक में लगे वैसे ही लगा दिया। और ये ड्रम ब्रेक्स हैं इस बाइक में। ये एग्जॉस्ट पाइप साइलेंसर भी ओरिजिनल है बाइक का, इस तरह से आप देख लीजिए। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। बाइक कुछ ऐसी दिखती है ऊपर से। मैंने सारी गार्ड और वो सब निकाल दिया पीछे से। और ये हैंडल जो है ये भी ओरिजिनल है, हैंडल बार जो है इसमें ग्रिप्स नए लगे हुए हैं। और ये स्विच भी नए ढूंढे मैंने। और ये जो इसका इंजन किल स्विच है या फिर इग्निशन स्विच आप जो भी बोलिए, ये ओरिजिनल है, टूट चुका है ये, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे बनवाया है और ये मिल नहीं रहा मार्केट में कहीं भी। तो आपको मॉडिफिकेशन कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बाइक चला के दिखा देता हूँ।
और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। और मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और भी वीडियोस डालता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अच्छे अच्छे मैं वीडियो बनाता रहूँ और मोटिवेट होता रहूँ। चलिए मैं आपको बाइक चला के दिखाता हूँ।